ऑल ऑफ यू, मैं घनश्याम भूरिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सर 5 BLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BEd सेकेंड ईयर इतिहास शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है इतिहास पाठ्यक्रम के आधार। इतिहास पाठ्यक्रम के आधार आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसके साथ साथ ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ इतिहास पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार, इतिहास के पाठ्यक्रम का विकास किस आधार पर होता है, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 पक्ष होते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 पक्ष होते हैं, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 पक्ष है, शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। तीसरा पक्ष अर्थात पाठ्यक्रम वह केंद्र बिंदु है जिसके आधार पर शिक्षक एवं बालक की जो क्रियाएं हैं निर्धारित होती हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षक अपने शिक्षण कार्य की रूपरेखा तैयार करके निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह पाठ्यक्रम इतिहास विषय का हो या फिर अन्य विषयों से संबंधित। अतः इतिहास के पाठ्यक्रम पर विचार करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है एवं तर्क संगत प्रतीत होता है कि आपकी पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम क्या है, इसकी अर्थ परिभाषाएं हमने कल के वीडियो में देख ली थी। आज हम पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधार, पाठ्य वस्तु चयन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मुन्रो ने कहा था कि पाठ्यक्रम में वह सभी अनुभव निहित हैं जिनको कि विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कनिगम ने जो अपनी परिभाषा दी थी वह थी कि पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिसको कि वह अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में अपनी सामग्री अर्थात विद्यार्थी को अपने आदर्श अर्थात उद्देश्यों के अनुसार ढालता है। तो इस प्रकार सभी प्रकार के वह शैक्षिक, सह शैक्षिक या अन्य अनुभव जो कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देते हों वह पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम का अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, इसी के आधार पर ही छात्र अध्यापक की जो क्रियाएं हैं वह निर्धारित की जाती हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के आधार टॉपिक प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम पहले देखते हैं पाठ्य वस्तु का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पाठ्यचर्या निर्माता निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हीं अधिगम अनुभावों का चयन करता है जो कि सार्थक हों, सतत हों, अनोन्य क्रिया आधारित हों तथा संगठित होते हैं। पाठ्यक्रम नियोजक को
पाठ्य वस्तु का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नंबर एक है प्रत्यक्ष तथा दूसरों द्वारा प्राप्त अनुभवों के अवसरों में समन्वय या संतुलन स्थापित किया जाए। दूसरा बात, दोनों प्रकार के अनुभवों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए अवसर प्रदान किए जाए। तीसरी बात, ऐसी विषय वस्तु का चयन किया जाए जो कि एक साथ एकाधिक क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसी प्रकार चार नंबर पे है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु का चयन किया जाए। पांच नंबर, ऐसी पाठ्य वस्तु का चयन किया जाए जो कि उपयुक्त भावनाओं के विकास में सहायक सिद्ध हो। तो इस प्रकार पाठ्य वस्तु के चयन के लिए वहीलर ने जो अपना मार्गदर्शन रखा है वह इस प्रकार है। वहीलर का मार्गदर्शन, तो वहीलर के अनुसार पाठ्य वस्तु का चयन करते समय उसमें निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए, जैसे कि वैधता, व्यापकता, विविधता, उपयुक्तता, प्रतिमान व जीवन से ताजा समय। इन सब बातों का पाठ्य वस्तु के चयन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसी के आधार पर ही पाठ्यक्रम को निर्मित करना चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं पहेलर का मानदंड के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले है वैधता। इसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि पाठ्यक्रम में केवल उसी पाठ्य वस्तु को स्थान दिया जाए जो कि उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। दूसरी बात है व्यापकता। व्यापकता से अभिप्राय यह है कि इनका चयन इस प्रकार से किया जाए जिससे पाठ्यचर्या में घोषित प्रत्येक उद्देश्य के लिए पाठ्य वस्तु की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार विविधता, तो पाठ्यचर्या के लिए पाठ्य वस्तु का जो चयन है वह छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, अभिरुचियों आदि के अनुकूल किया जाए जिससे उनके व्यक्तिगत भेदों को संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि एक कक्षा कक्ष में अलग अलग स्तर मानसिक योग्यता आयु के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। अतः पाठ्यक्रम निर्मित करने से पहले छात्रों की आयु, योग्यता स्तर और मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए जो कि जीवन से संबंधित हो और छात्रों का मार्गदर्शन करें और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि जागृत कर पाए। इसी प्रकार नेक्स्ट है उपयुक्तता। तो चयन किए जाने वाले जो अनुभव है व्यक्तिगत तथा वर्ग स्तर अथवा दोनों ही दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। पांच नंबर है प्रतिमान। तो विषय वस्तु में पारस्परिक संबंध तथा तारतम्य होना चाहिए। विषय वस्तु में पारस्परिक संबंध तथा तारतम्य होना चाहिए, अर्थात एक विषय का अन्य विषयों से सहज संबंध स्थापित करने के लिए अन्य विषयों के तथ्यों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि प्रत्येक शिक्षक को अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है अन्य विषयों के साथ सहज संबंध पर आधारित होता है, उसी के आधार पर ही छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा जीवन से तादात्म्य, तो विषय वस्तु को तभी क्रियात्मक माना जाता है जबकि उनका वास्तविक जीवन के साथ समीपता का संबंध होता है। अतः ऐसी विषय वस्तु का चयन किया जाए जो कि जीवन से तादात्म्य रखते हों। तो इसी प्रकार पाठ्य वस्तु को चयन करते समय वहीलर ने जो प्रमाण दिया है वह इस प्रकार था। इसमें वैधता, व्यापकता, विविधता, उपयुक्तता, प्रतिमान व जीवन से तादात्म्य आदि बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं इतिहास पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं।
शिक्षा पाठ्यक्रम का प्राय है। दूसरी ओर विद्यालय उन अनुभवों को स्वीकार करता है जिसको पूर्ण करना विद्यालय का उत्तरदायित्व समझा जाता है। वे सभी अनुभव उद्देश्यों और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विद्यालय की आधुनिक अवधारणा के अनुसार ये सभी जो क्रियाएं हैं वह विद्यालय द्वारा पूर्व नियोजित होती हैं ताकि विद्यार्थियों की सामाजिक भावात्मक बौद्धिक शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि कर पाए। ये सभी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय आधार होते हैं जिनमें पहला है दार्शनिक आधार। तो इस ब्राह्मण और उसमें मानव जीवन के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं। कोई इस जगत को किसी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित मानता है तो कोई इसे केवल प्राकृतिक पदार्थों और क्रियाओं का परिणाम समझता है। तो इन विभिन्न दृष्टिकोणों ने हमें अपने जीवन के बारे में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार जो लोग हैं मनुष्य को आत्मधारी मानते हैं और प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे शिक्षा द्वारा मनुष्य के शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक चारित्रिक आध्यात्मिक विकास पर ही अधिक बल देते हैं। जो भौतिकवादी दार्शनिक है वे आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, वे मनुष्य के जीवन को ही सत्य मानते हैं, इसलिए वे उसके आध्यात्मिक विकास के बारे में नहीं सोचते। तो उसे इस भौतिक जगत के पदार्थ एवं क्रियाओं का ज्ञान जो है करा देना चाहते हैं जिससे यह उनका अधिकतम उपयोग करके सुख प्राप्ति कर सके। उनकी दृष्टि से शिक्षा के यही उद्देश्य होने चाहिए और पाठ्यक्रम निर्माण में इन विचारों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर भी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने की जो बात कही गई है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार। एक युग था जब मनुष्य को छोटा और प्रौढ़ समझा जाता था और उसे बचपन से ही उच्च आदर्शों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मनोविज्ञान ने मनुष्य की प्रकृति और उसके शारीरिक मानसिक संवेगात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया और बताया कि अपनी शारीरिक और मानसिक संरचना की दृष्टि से कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं होते और उनका समस्त विकास उनकी जन्मजात प्रवृत्तियों रुचियों और रुझानों और योग्यताओं पर ही निर्भर करता है। अतः शिक्षा के उद्देश्य आध्यात्मिकता के उच्च अंतराल से उतरकर मनोविज्ञान के उन सिद्धांतों पर आधारित होने लगे हैं। तभी तो आज शिक्षा का सर्वप्रथम जो उद्देश्य है वह मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास और उनका उदात्तीकरण होता है। बच्चा क्या सीखता है और क्या नहीं, जो सीखता है वह कैसे सीखता है, इस पर मनोवैज्ञानिकों ने प्रकाश डाला है। तो मनोविज्ञान के स्पष्ट ज्ञान के बिना हम शिक्षा के उद्देश्य को नहीं समझ सकते। यही कारण है कि आज का हमारा पाठ्यक्रम होता है बाल केंद्रित होता है जो कि छात्रों की आयु स्तर और मानसिक योग्यता को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाता है और विद्यार्थियों में संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास उत्पन्न करने के प्रयत्न किए जाते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्रीय आधार। तो शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में समाज के जीवन दर्शन के बाद उसकी जीवन शैली का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। समाज विशेष की संरचना, उसकी संस्कृति, धार्मिक स्थिति उसकी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए जिस समाज में स्त्री पुरुषों में भेदभाव किया जाता है और स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता है, उन समाजों में स्त्रियों को केवल लिखने पढ़ने की ही
शिक्षा दी जाती है और जिन समाजों में स्त्री पुरुष में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है उन समाजों में स्त्री पुरुषों की शिक्षा को समान अवसर जो है प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार समाज की संस्कृति तो उसकी शिक्षा का मूल आधार होती है। संस्कृति एक व्यापक शब्द है और इसकी प्रीति में समाज की संरचना, उसकी मान्यताएं, विश्वास, आदर्श और मूल्य सभी निहित हैं। प्रत्येक समाज इन मान्यताओं, विश्वासों, आदर्शों और मूल्यों को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं और यह कार्य जो है शिक्षा की सहायता से ही किया जाता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जो है अपनी संस्कृति का हस्तांतरण कर देती है और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बच्चा समाज की संस्कृति को सीखकर आत्मसात करता है और अपने व्यवहार में ढालता भी है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति एक धर्म प्रधान है। सूक्ष्म के प्रति हमारा विश्वास हमारे समस्त विश्वासों का आधार है। इस प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील हैं। दया, धर्म, अतिथि सत्कार और मानव सेवा हमारे समाज की परंपरागत विशेषताएं मानी गई हैं। समाज में अनेक परिवर्तन होने पर भी हमारी आस्थाएं इन सब में आज भी बनी हुई हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार समाज में परिवर्तन आता है, फिर भी भारतीय संस्कृति अपने गुणों के साथ आज भी जीवित है और इस दृष्टि से शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो समाज परिवर्तनशील है, उसकी भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा एक ओर पुरानी मान्यताओं की रक्षा करती है तो दूसरी ओर इन परिवर्तनों से मौजूद पीढ़ी को परिचित भी करवाती है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन भी शिक्षा के उद्देश्यों को काफ़ी प्रभावित करते हैं और समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो है पाठ्यक्रम में नवीन तथ्यों को स्थान दिया जाता है और अनावश्यक तथ्यों को निकाला जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार। तो इस आधार ने शिक्षा को विज्ञान केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान किया। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उस पाठ्य सामग्री को समृद्ध किया जाना चाहिए जो कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर पाए। ये विचारधारा पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। प्लेटो का रिपब्लिक मुख्यतः राजतज्ञ था। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाज के अस्तित्व को बनाए रखना है। प्लेटो के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार ही स्त्री और पुरुष की शारीरिक क्षमता के साथ बौद्धिक क्षमताओं में भी अंतर पाया जाता है। मानव की आंतरिक शक्ति समाज में उनकी भूमिका को निश्चित करती है। इसी के आधार पर प्लेटो के अनुसार राष्ट्र को सैनिक, व्यापारी, शासक एवं सेवक सभी की ही आवश्यकता होती है। जब तक लोग अपना जो कार्य है दक्षता पूर्वक नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तथ्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इसके आधार पर पाठ्यक्रम में उस पाठ्य सामग्री को समृद्ध किया जाए जो कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार आइए हम देखते हैं इतिहास के पाठ्यक्रम का विकास। तो पाठ्यक्रम निर्माण जो है कि प्रक्रिया जो त्रिआयामी है। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया त्रिआयामी है। इसमें पहला है उद्देश्य, दो नंबर पर है प्रक्रिया और तीन नंबर पर है विषय वस्तु। तो उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि क्या प्राप्त करना है। इस प्रकार यह संपूर्ण प्रक्रिया को निर्धारित करता है। उद्देश्यों की रचना समाज के मूल्यों और सिद्धांतों एवं आवश्यकताओं के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। यही उद्देश्य विद्यार्थियों के आर्थिक, सामाजिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। विद्यालय से निकले उत्पाद समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब समाज की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार
विद्यालय से उत्पाद निकले, इसी आधार पर विषय वस्तु का चयन किया जाता है जो कि विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, सामाजिक स्तर, तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम में इसको तय किया जाता है। जबकि प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय की उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से लेकर उसके मूल्यांकन तक की सभी विधियों को शामिल किया जाता है। जबकि विषय वस्तु पाठ्यक्रम संपूर्ण विद्यालय तंत्र के योग के रूप में शैक्षिक संस्थाओं के आंतरिक उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ विद्यार्थियों के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करती है। पाठ्यक्रम में विद्यालय तंत्र के रूप में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाता है जैसे कि उद्देश्य, क्रियाएं, विषय वस्तु, विधियां एवं मूल्यांकन। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम का विकास है जो इस आधार पर किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है इतिहास पाठ्यक्रम के आधार, इतिहास पाठ्यक्रम के आधार तथा पाठ्य वस्तु का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, इसके साथ ही इतिहास के पाठ्यक्रम का विकास की जो प्रक्रिया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।